इंदौर में हत्या की सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक बेटे ने अपने ही पिता की चाकू मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पिता ने दूसरी शादी की थी, इसी बात को लेकर बेटा नाराज था। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पिता की हत्या की सनसनीखेज घटना का मामला इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के कुंदन नगर का है, जहां अमन नामक युवक ने अपने ही पिता कमल सिंह की चाकू मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी बेटा पिता की दूसरी शादी करने से नाराज था, इसी बात को लेकर एक नहीं दो नहीं बल्कि 13 बार पिता पर चाकुओं से वार किया। गंभीर रूप से घायल कमल को इलाज के लिए परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं राजेंद्र नगर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी बेटे की तलाश शुरू कर दी है। 29 तारीख के रात करीब 2 बजे कमल नट हैं, उनके लड़के ने जिसका नाम अमन है, उसने अचानक इन पे सोते हुए बार कर दिए। तो इनने कभी गर्दन, सीना, पैर, हाथ सब जगह ना चाकू से कम 13 बार किए, जिस वो इलाज के लिए लाए थे MIS, जिसकी यहाँ पे मृत्यु हो गई। कारण ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई विशेष कारण कुछ भी नहीं था। अचानक उसके मन में न जाने क्या आया क्या नहीं आया, क्योंकि परिजनों से अपन ने पूछा भी कि कारण क्या है, मगर उन्होंने कोई ऐसा कारण कोई विशेष नहीं बताया। मृतक का नाम अमन है, कमल है, कमल नट। इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे।